एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया था। वो बहुत ही हताश और निराश हो गया। उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत समझाया, बेटा जीवन में असफलता सफलता आती रहती है। जब हमें कभी कुछ बड़ा करना होता है तो हमें संघर्ष करना होता है। लेकिन वो बच्चा इतना निराश हो गया और अपने कमरे में बंद हो गया। रात को उसको कुछ सूझा नहीं तो वो घर से निकलकर आत्महत्या करने चल दिया। जब वो बाहर जा रहा था तो वहां पे रास्ते में उसको एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहां पे कुछ आवाजें आ रही थी। वो बौद्ध मठ की तरफ गया। जिज्ञासावश उसने ये सुनना चाहा कि वहां से क्या आवाजें आ रही हैं। तो बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे, पानी मैला क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बहता रहता है। पानी एक बिंदु, बिंदु से झरना, झरने से नदी, नदी से महानदी और महानदी से समुद्र की तरह बन जाता है। दोस्तों, पानी बहता रहता है और बड़ा बन जाता है। हे मेरे जीवन, इसी तरह जीवन में आगे बढ़ना हो, सफलता पानी हो, तो हमेशा चलते रहना पानी की तरह ही होना चाहिए। अगर आप रुक जाओगे, जीवन से हताश हो जाओगे, तो जीवन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे रुका हुआ पानी। उसी तरह से रुका हुआ पानी जैसे सड़ जाता है। बालक ने इस आवाज को सुना और गंभीरता से समझा और घर लौट आया। अगले दिन वो सामान्य होकर स्कूल जाने लगा। यही बालक बड़ा होकर वियतनाम का राष्ट्रनायक हो ची मिन के नाम से जाना गया। दोस्तों, जिस तरह से जीवन का नाम चलना है, हताश नहीं होना है, असफलताओं और सफलताओं का सामना करते ही हमें संघर्षों के साथ ही आगे बढ़ना है, जीवन का नाम इसी तरह चलते रहना है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 100% हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए जीवन में क्या अपॉर्चुनिटीज कब आने वाली है। सो निराश ना होए, हताश ना होए, सफलता आपके कदम हमेशा जरूर चुनेगी।